हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश और मैं आज आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल का टोटल वॉच टाइम कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है YT स्टूडियो। तो दोस्तों, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसमें लॉगिन हो जाना है। इसके बाद दोस्तों, YT स्टूडियो ओपन करना है। दोस्तों, जैसे YT स्टूडियो आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे आपके चैनल का नेम लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वॉच टाइम। तो दोस्तों, यहाँ पे वॉच टाइम यहाँ पे लिखा है, वॉच मिनट लिखा है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे वॉच मिनट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों वॉच मिनट पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा ऊपर को स्क्रॉल करना है, फिर से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वॉच मिनट। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लास्ट 28 डेज। तो दोस्तों आपको यहीं पे फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ टॉप पे यहाँ पे लिखा है लास्ट 28 डेज। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट 28 डेज पे आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है लास्ट 28 डेज। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लाइफ टाइम पे सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों लाइफ टाइम पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपका टोटल वॉच टाइम यहाँ से दिखा देगा जब से आप अपना चैनल बनाए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वॉच टाइम दिखा रहा है, ये है 14,552। तो दोस्तों ये मिनट दिखा रहा है। दोस्तों आपको इसको घंटे में चेंज करने के लिए इसको दोस्तों आपको यहाँ पे आप इससे 60 में भाग दे देंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे घंटे में निकल आएगा ये दोस्तों 14,552। दोस्तों ये मिनट में दिखा रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।